आजकल इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जिस तरीके की वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, या तो वो क्राइम जॉनर की होती हैं, थ्रिलर जॉनर की होती हैं, सस्पेंस जॉनर की होती हैं, इन्हीं तीनों के बीच में हमारी वेब सीरीज लिमिट होकर रह गई है। अगर बात करें नेटफ्लिक्स की तो सैक्रेड गेम से लेके बेताल तक, बात करें अमेजन प्राइम की तो फैमिली मैन से लेके ब्रीथ, अभी सेकेंड सीजन आया उसकी, हमें हर जगह सिर्फ यही चीजें दिखती हैं। इनफैक्ट G5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी इसी तरीके के कंटेंट बार बार रिलीज किए जा रहे हैं, तो हमें कुछ नया देखने की इच्छा तो होती है बट ऐसा कुछ आता है नहीं। लेकिन हाल में ही अमेजन प्राइम के ऊपर में बंदिश बैंडिट करके एक नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया, बट हाँ इसकी प्रमोशन उस जोर शोर से नहीं की गई। शायद ये वजह शायद ये भी रही होगी कि इसमें खान कपूर या बच्चन देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं, इसमें बिल्कुल एक अलग तरीके का टैलेंट आपको देखने के लिए मिलता है। बट क्या ये वेब सीरीज एक अच्छी वेब सीरीज है और हमें देखनी चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, चर्चा करेंगे आज इसी बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर बात करें इस वेब सीरीज के एक्टर्स की तो इसमें कुछ बहुत ही अच्छे एक्टर और कुछ नए एक्टर्स का मिक्सचर देखने के लिए हमें मिलता है। अगर बात करें वेटरन एक्टर्स की तो नसरुद्दीन शाह और अतुल कुलकर्णी जैसे बहुत ही बेहतरीन कलाकार देखने के लिए मिलते हैं, और दूसरी तरफ हमें श्रेया चौधरी और ऋत्विक भौमिक के तौर पे नए कलाकार देखने के लिए मिलते हैं। अब इन चारों को या पूरे कैरेक्टर को लेकर अगर चलें तो ये मिक्स हमें बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन करके इस वेब सीरीज में रखता है। हमें फ्रेश टैलेंट भी देखने के लिए मिलता है और पुराना टैलेंट भी देखने के लिए मिलता है, और जो इनकी जोड़ी रही है साथ में वो बहुत ही शानदार है इस वेब सीरीज के अंदर। अब ये वेब सीरीज आधारित है इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक के ऊपर में, किस तरीके से इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक एक तरीके से गायब हो रहा है और कोई उसके ऊपर कोई फोकस या कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि असली कल्चरल ट्रेडिशनल म्यूजिक वही है, ना कि आजकल के रिमिक्स वाले सॉन्ग्स। अब फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर जोधपुर से, जहाँ पे कि एक संगीत सम्राट होते हैं नसरुद्दीन शाह, लेकिन अगला संगीत सम्राट कौन होगा उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही होती हैं, जिसमें कि उनका पोता भी शामिल होता है। बट उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है और साथ में उस तरीके की गायकी होनी चाहिए जो बीट कर सके नसरुद्दीन शाह को। इसी चीज़ों के ऊपर में उनके पोते आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। अब इन्हीं तैयारियों के बीच में ऋत्विक की जिंदगी में आती है एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही बड़ी पॉप स्टार है, सेंसेशन है, बट वो इस कल्चरल म्यूजिक से अलग बिल्कुल पॉप म्यूजिक और रॉक म्यूजिक के ऊपर में उनका फोकस रहता है, जैसे कि आजकल के दौर में चलता है रिमिक्सेज, पॉप म्यूजिक, पार्टी म्यूजिक ऐसा। अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है आगे, क्या जो ऋत्विक हैं वो अपने दादा की जगह ले पाते हैं, या उनसे चूक हो जाती है, वो बहक जाते हैं, या जो ये नई सिंगर आई हैं इनकी सिटी में वो आगे बढ़ जाती हैं, क्या कुछ होता है, ये सारा चीज़ आपको इस वेब सीरीज में देखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इस वेब सीरीज की कुछ बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आप, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसकी कहानी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल यूनिक है, ऐसा हमने पहले कोई कहानी इंडियन वेब सीरीज के अंदर में तो नहीं ही देखी है, जहाँ पे पूरी तरीके से जो फोकस है वो म्यूजिक और गायकी के ऊपर, संगीत के ऊपर है। दूसरी तरफ इसका जो म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने, वो बहुत ही बेमिसाल है। जब आप इसको देखने के लिए बैठते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक आपके ट्रेडिशनल म्यूजिक से प्यार सा हो जाता है, जिसको शायद अब हम भूल चुके हैं। साथ ही साथ ये फिल्म हमको सिखा के ये बात भी जा रही है कि कितनी मेहनत और कठिन परिश्रम होती है अच्छी गायकी के लिए। आजकल के दौर की गायकी को हम गायकी बोल ही नहीं सकते जब हम ये वेब सीरीज देखने के लिए बैठते हैं। जिस तरीके से एक एक सिंगर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है वो भी बहुत बेहतरीन है। अब एक और पॉजिटिव जो इसकी है वो है इसकी स्टार कास्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वेटरन एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग के बारे में तो हम हर कोई जानते ही हैं कि वो किस तरीके के कलाकार हैं, तो अतुल कुलकर्णी और नसरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग है ही है, बट जो नए एक्टर्स हैं ऋत्विक और श्रेया, उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की है और उनकी ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी लगती है कि कोई भी उससे कनेक्ट कर सकता है इजिली। ओवरऑल ये वेब सीरीज बहुत ही बढ़िया है और एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट करती है। हाँ, इसकी एंडिंग देख के हमें ये भी लगता है कि इसकी शायद सेकेंड सीजन भी हमें देखने के लिए जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज की रेटिंग रहेगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वेब सीरीज टू ऑल ऑफ यू कि एक बार आप ऐसी वेब सीरीज भी जरूर देखें। बट हाँ, इसके अंदर कुछ एडल्ट सीन्स भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली गई हैं जो शायद आपको पूरी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, तो आप इसको मेरे हिसाब से फैमिली के साथ ना देखें, लेकिन हाँ अगर एज ए कपल या एज ए फ्रेंड्स के साथ देखना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल ही देख सकते हैं। तो ये तो रिव्यू थी बंदिश बैंडिट की। इसके अलावा अगर आप किसी और मूवी या किसी और वेब सीरीज की रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे किसी भी सोशल हैंडल पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे आपको फिल्मी घंटे करके ही मिल जाएगा, वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।